अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस सादिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फाइनाइट ग्रुप्स एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स की डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, देन हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का टॉपिक पढ़ा था और उसके अलावा हमने पढ़ा था रिवर्सल लॉज ऑफ इनवर्सेस। उसके बाद हमने थ्योरम किया था जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि हर ग्रुप में हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। आज के लेक्चर में जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है हम उसको करेंगे, और थ्योरम हमारे पास है कि हर ग्रुप में हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है। इसको प्रूफ करेंगे आज के लेक्चर में, एंड देन हम एक्सरसाइज 2.8 को स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और अपना काम शुरू करते हैं। आज हम एक और थ्योरम करेंगे जिसमें ये है कि अगर हमारे पास एक ग्रुप है उसमें कोई भी एलिमेंट हो तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, यूनिक ही होगा। मतलब एक एलिमेंट के एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ जी, और साथ ये स्टार हमारे पास क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, इज अ ग्रुप एंड ए इज अ मेंबर ऑफ जी, देर इज अ यूनिक इन्वर्स ऑफ ए इन जी। तो इसका प्रूफ करते हैं। तो ऑन द कंट्ररी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ए हमारे पास जो मेंबर है ग्रुप का उसके दो इन्वर्सेज है। तो इसको लिखते हैं, लेट G star be a group and A is a member of G. Suppose that A prime and A double prime are two inverses of A in G, then अब यहां पे ये अज्यूम कर लिया हमारे पास जो A एलिमेंट है G का उसके दो इन्वर्सेज हैं। पहला इन्वर्स क्या है, A प्राइम, और दूसरा इन्वर्स क्या है, A डबल प्राइम। तो यहां पे A प्राइम को मैं लिख सकता हूं A प्राइम स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज अगर मैं ए प्राइम को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करता हूं तो वापस क्या आ जाएगा, ए प्राइम आ जाएगा। और यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट की जगह हम लिखते हैं ए स्टार ए डबल प्राइम, बिकॉज अब ए का हमने ये भी अज्यूम किया है कि ए का इन्वर्स क्या है, ए डबल प्राइम है। जब हम ए को उसके इन्वर्स से ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है सारी। देन हम क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा ए प्राइम स्टार ए डबल प्राइम, यहां पे अप्लाई हुआ है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पे, अब ए प्राइम क्या है, वो भी ए का इन्वर्स है। जब ए प्राइम को ए के साथ ऑपरेट करूंगे तो क्या आएगा, एक अगेन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ये हो जाएगा E स्टार A डबल प्राइम। अब एक आइडेंटिटी एलिमेंट को जब किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा A डबल प्राइम। अब हमने अजम्पशन क्या की थी, A प्राइम से हम स्टार्ट हुए थे और हमारे पास क्या सोल्यूशन आ गया, A डबल प्राइम। तो हमने जो अजम्पशन की थी ए प्राइम एंड ए डबल प्राइम आर टू इन्वर्सेस ऑफ ए, वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो ए का हमारे पास इन्वर्स क्या होगा, यूनिक होगा। दस इन्वर्स ऑफ ए इज यूनिक इन जी, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास लेट्स से एक ग्रुप है इंटीजर्स का और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। अब इस ग्रुप में कोई भी एलिमेंट अगर पिक कर लिया जाए, लेट्स से वन पिक कर लेते हैं, वन का इन्वर्स क्या होगा, माइनस वन, बिकॉज वन को जब माइनस वन के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। उसी तरह टू का इन्वर्स क्या होगा, माइनस टू, टू को जब माइनस टू के साथ ऐड करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह
एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और ग्रुप कंसीडर करते हैं। हमारे पास ग्रुप है ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स माइनस जीरो। इसकी लास्ट लेक्चर में रीजन बताई थी यहाँ से माइनस क्यों किया जाता है, और साथ है ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का। अब इस तरह के ग्रुप में हमारे पास कोई भी एक नंबर पे कर लेते हैं, लेट्स से टू है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा, वन ओवर टू। बिकॉज जब मैं टू को वन ओवर टू से ऑपरेट करूंगा या मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगी। अगेन थ्री का इन्वर्स क्या होगा, वन ओवर थ्री। जब थ्री को वन ओवर थ्री से ऑपरेट करेंगे तो वापस हमारे पास वन आ जाएगा, जो कि है आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके अलावा हमारे पास और कोई नंबर नहीं है वन ओवर थ्री के अलावा जिसको हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। तो इनवर्स हमारे पास हर एलिमेंट का क्या होता है, यूनिक होता है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.8। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मॉडुलो एडिशन परफॉर्म्ड ऑन द टू मेंबर सेट g is equal to 0, 1 is shown in the adjoining table. Answer the questions. अब हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है जो कि है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 का। हमने ये रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n को पिछले लेक्चर्स में काफी डिटेल में स्टडी किया हुआ है। अब हमें पता है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 में हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स आएंगे, वो हैं 0 and 1, और उनका यहाँ पे ये टेबल बनाया गया है और यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। जो पहला पार्ट है वो कहते हैं नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट इफ इट एग्जिस्ट। तो इसमें हम देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है अगर उस एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट किया जाए हमारे पास रिटर्न में वही एलिमेंट आ जाए। अब देखें जीरो को जब जीरो से ऑपरेट किया गया तो जीरो आ गया, जीरो को वन से ऑपरेट किया गया तो वन आ गया। तो यहां से देख के पता चलता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे कहते हैं जीरो। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ वन। अब वन को किसके साथ ऑपरेट किया जाए, हमारे पास जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है जब वन को वन के साथ ऑपरेट किया जा रहा है तो जीरो आ रहा है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है द इनवर्स ऑफ वन इज वन। और जो तीसरा पार्ट है उसमें पूछा गया है इज द सेट जी अंडर द गिवन ऑपरेशन अ ग्रुप अबेलियन और नॉन अबेलियन। यहाँ पे पूछा गया है क्या हमारे पास ये वाला जो सेट है जी, क्या वो ग्रुप है, अगर है तो कौन सा ग्रुप है, अबेलियन या नॉन अबेलियन। अब यहाँ पे टेबल को देखा जा सकता है ग्रुप की जो चार प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई हो रही है। बिकॉज कोई से भी दो एलिमेंट को जब हम मॉडुलो एडिशन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो वापस हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ग्रुप में से ही आ रहे हैं या सेट में से ही आ रहे हैं। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास यहाँ पे प्रूव हो रही है, एंड देन आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है और हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। तो ये तो कहा जा सकता है कि जी इज अ ग्रुप। अब ये चेक करते हैं कि जी अबेलियन ग्रुप है या नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब यहाँ पे पहले जीरो और वन को जब ऑपरेट किया गया तो वन आ गया, उसी तरह वन और जीरो को ऑपरेट किया गया तो अगेन वन आ गया। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी इज एन अबेलियन ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑपरेशन मॉडुलो एडिशन एज परफॉर्म ऑन द सेट 0, 1, 2, 3 इज शोन इन द एडजॉइनिंग टेबल, शो दैट द सेट इज एन अबेलियन ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेट है वो है रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, और यहाँ पे ये टेबल हमें बताया गया है और हमने अब ये शो कराना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो इसका सलूशन करते हैं। सबसे पहले इसको हम ग्रुप प्रूफ करेंगे, देन हम उस ग्रुप पे चेक करेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। अगर तो कॉम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होल्ड करता है देन वो ग्रुप कहलाएगा अबेलियन ग्रुप, अदरवाइज नॉन अबेलियन। तो सबसे पहले जो ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है वो है क्लोजर लॉ। अब उसको चेक करते हैं। यहाँ पे जो सेट है रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का 0, 1, 2, 3, इसको एस का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं 0 मॉडुलो एडिशन 0 हमारे पास आ रहा है 0 विच इज अ मेंबर ऑफ एस। इसी तरह 1 मॉडुलो एडिशन 1 इज इक्वल टू 2 विच इज अ मेंबर ऑफ एस। देन 2 मॉडुलो एडिशन 1 वो क्या रहा है 3 विच इज अ मेंबर ऑफ एस। उसी तरह 3 प्लस 3 मॉडुलो एडिशन 2
हमारे पास इक्वल आ रहा है 1 के, विच इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ एस। इसी तरह जो बाकी दो नंबर्स को हम ऑपरेट करेंगे तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो सेट एस का ही मेंबर होगा। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं एस इज क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन, एस इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन और लो एडिशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहां से रैंडमली कोई 3 नंबर्स पे कर लेते हैं, लेट्स से 1 मॉडुलो एडिशन, 2 मॉडुलो एडिशन, 3 मस्ट बी इक्वल टू 1 मॉडुलो एडिशन, 2 मॉडुलो एडिशन, 3। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास आ जाएगी 1 मॉडुलो एडिशन। अब 2 मॉडुलो एडिशन 3 हमारे पास क्या बताया गया है, 2 मॉडुलो एडिशन 3 हमारे पास इक्वल है 1 के, ये आ जाएगा 1 एंड 1 मॉडुलो एडिशन 1 हमारे पास क्या होता है 2। उसी तरह जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं 1 मॉडुलो एडिशन 2 हमारे पास है 3 मॉडुलो एडिशन 3, और 3 मॉडुलो एडिशन 3 हमारे पास क्या आएगा 2 के इक्वल, ये टेबल में से देखा जा सकता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। इसी तरह हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा सकता है सो एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स ट्रू इन एस अंडर द ऑपरेशन मॉडुलो एडिशन। नेक्स्ट जो ग्रुप के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो होती है एक्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे इस ग्रुप में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, 3। अब टेबल में क्लियरली देखा जा सकता है कि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसको प्रूफ करते हैं, सब एलिमेंट्स को हम 0 के साथ एक दफा ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमने 0 को जब सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट किया हमारे पास अगेन वही एलिमेंट आ गया। तो इसको देख के कहा जा सकता है कि 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन S। नेक्स्ट है एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट। सबसे पहले 0 को देखते हैं। अब 0 को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए जो कि है 0। 0 को अगर 0 के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब 0 का इन्वर्स क्या है, 0। 1 को किसके साथ ऑपरेट किया जाए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। 1 को अगर 3 के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ये टेबल से क्लियरली देखा जा सकता है। उसी तरह 2 को ऑपरेट अगर किया जाए 2 के साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा, एंड 3 को ऑपरेट किया जाए अगर 1 के साथ तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली देखा जा सकता है कि 0 का, 1 का, 2 का एंड 3 का सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इन चारों प्रॉपर्टीज के होल्ड करने के बाद S is a group under modulo addition। Next हमने ये बताना है कि ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, और उसके लिए ये चेक करेंगे कि इस ग्रुप पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं वन बाय वन। पहले हमारे पास है ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, तो 1 मॉडुलो एडिशन 2 मस्ट बी इक्वल टू 2 मॉडुलो एडिशन 1। 1 मॉडुलो एडिशन 2 हमारे पास क्या है, 3, एंड 2 मॉडुलो एडिशन 1 क्या है, 3। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी तरह 2 मॉडुलो एडिशन 3 इज इक्वल टू 3 मॉडुलो एडिशन 2 हमारे पास होता है,
तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 विच इज अ मेंबर ऑफ S. इसी तरह हम और भी चेक कर सकते हैं, 1 मॉडुलो एडिशन 3 इज इक्वल टू 3 मॉडुलो एडिशन 1, ये दोनों जीरो होते हैं और इक्वल हो गए. तो इसी तरह कहा जा सकता है कॉमुटेटिव लॉ होल्ड्स ट्रू इन S. अंडर मॉडुलो एडिशन ऑपरेशन. तो यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई हमारे पास S के लिए जो कि एक ग्रुप है. तो यहां पे एंड पे स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, हेंस S इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर मॉडुलो एडिशन. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डिटरमाइन वेदर और नॉट सेट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड ऑपरेशन. तो इसका पहला पार्ट है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, और यहां पे हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन का. अब यहाँ पे हम वन बाय वन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे क्या वो होल्ड करती हैं या नहीं करती. तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं. अब रैशनल नंबर्स में हम कोई भी अगर दो एलिमेंट्स पिक कर लें, लेट्स से ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू यहाँ पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी हमारे पास अगेन क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा. तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमारे पास होल्ड करती है. उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड करेगी. हम ए बी सी तीन रैशनल नंबर्स पिक कर लेते हैं, तो इनको अगर कैसे भी ऑर्डर में परफॉर्म किया जाए हमारे पास दोनों तरफ जो सोल्यूशन आएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड पे वो सेम आएगा. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड करेगी. तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट. अब रैशनल नंबर्स के केस में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन वो क्या होता है, वन होता है. लेट्स से ए हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है. अब मैं ए को अगर वन के साथ या वन को अगर ए के साथ परफॉर्म करूं तो क्या सोल्यूशन आएगा इसका, वापस ए ही आएगा. वन के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वही रैशनल नंबर आ जाए. तो सिर्फ वन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगेन हमारे पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा. ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी की. चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है इनवर्स की प्रॉपर्टी, जिसमें हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए. अब चौथी प्रॉपर्टी के केस में हमारे पास एक ऐसा रैशनल नंबर है जीरो जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. वो इस तरह जीरो एक रैशनल नंबर है. अब जीरो को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. अब इसको वन ओवर जीरो से तो मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता बिकॉज वन ओवर जीरो क्या है, एक अनडिफाइंड नंबर है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. वन ओवर जीरो से या कोई भी एलिमेंट को जीरो से डिवाइड करके किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वो एक अनडिफाइंड नंबर है. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं यहाँ पे जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं जीरो के साथ तो वन आ जाए. तो चौथी प्रॉपर्टी जो है इनवर्स की वो यहाँ पे फेल हो जाती है. तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट. और किसी भी चीज को डिसप्रूव करने के लिए एक ही काउंटर एग्जाम्पल काफी होती है. तो यहाँ पे हमने एक काउंटर एग्जाम्पल दे दी है कि रैशनल नंबर्स में जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो यहाँ पे कहा जा सकता है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सो द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ ग्रुप
विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। हाँ, लेकिन अगर हम रैशनल नंबर्स के ग्रुप में से जीरो को माइनस कर देते देन ये हमारे पास एक ग्रुप कहलाता, क्योंकि अगर रैशनल नंबर्स के सेट में से जीरो को माइनस कर देंगे तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देन वो एक ग्रुप होगा। लेकिन अगर जीरो इंक्लूडेड है हमारे पास रैशनल नंबर्स के ग्रुप में, जो कि इस केस में था, तो ये एक ग्रुप नहीं कहलाएगा। तो हमारे पास है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक थ्योरम प्रूफ किया जिसमें हमने ये प्रूफ किया कि हर ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इनवर्स यूनिक होते हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट की जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 तक सक्सेसफुली क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।